i hope that you all are completely good and fine so students are you thinking what we are going to discuss in our the story story ka naam aapke samne dikh raha hai and it is the lost child so isse pehle ki hum kuch padhe i must tell you who's the author of this story well the story is written by mulkraj anand अब इस कहानी में है क्या जो हम पढ़ने वाले हैं आपको पता चल रहा है एक बच्चे के बारे में स्टोरी हो सकती है जो कि शायद खो गया

और वो अपने पेरेंट्स के साथ में एक में एक विलेज फेयर जाता है और वहां जाके वो खो जाता है अनफॉर्चुनेटली वो खो गया अब अब क्या होगा वो थिंक उस बच्चे के मन में क्या आ रहा होगा क्या वो बहुत ही खुश होगा या वो बहुत ज्यादा दुखी होगा कहीं उसके मन में कुछ फीलिंग्स ऑफ इनसिक्योरिटी ऐसी कोई फीलिंग्स तो नहीं आ रही होंगी डेफिनेटली आ रही होंगी क्योंकि होता क्या है? है, like right? कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स से unconditional love करता है, right? तो आप करो, और उस टाइम पे आपके पेरेंट्स आपके साथ होते हैं वो आपको इमोशनली सपोर्ट करते हैं हर तरह से सपोर्ट करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या हुआ बच्चे ने उस सपोर्ट को खो दिया

द रीजन इज वेरी सिंपल वो एक मेले में जा रहा है इमेजिन करो ना आप खुद भी जब किसी फेयर में किसी मेले में जाते हो या जहाँ भी आपको पसंद है जाना जब आप वहां जाते हो तो फिर आप खुद कैसा फील करते हो तो ऐसे ही वो बच्चा फील कर रहा है ही ही इज वेरी हैप्पी राइट बहुत ज्यादा एनर्जी से भरा हुआ है राइट ओके इन द ही गेट्स अट्रैक्टेड मिडवेट्रेक्टेड अ टॉय इन द टॉय शॉप एंड डिमांड्स फॉर इट अब क्या हुआ रास्ते में अब वो रास्ते में है ठीक है ये लोग कहाँ जा रहे हैं फेयर में जा रहे हैं तो रास्ते में है रास्ते में उसको क्या दिखता है उसको एक टॉय शॉप दिखाई देती है वहाँ पर टॉयज हैं अब वो अट्रैक्ट हो जाता है उस टॉय की तरफ ठीक है अब क्या हुआ उसको वो टॉय चाहिए लेट्स सी ही रिसीव्स अ डिनाइल आफ्टर ही लुक्स इनटू द रेड आईज ऑफ हिज फादर लेकिन जैसे ही वो कहता है धीरे से कह पाता है आई वॉन्ट दैट टॉय मुझे वो टॉय चाहिए

कहा की तरफ जा रहे है कैसे दिखेगा? फूल आ रहे हैं सरसों के तो बहुत ही ज्यादा जो खेत है वो बहुत ही ज्यादा लाइवली दिख रहा है ठीक है लहलहा रहा है वो अपने फूलों के साथ में अब ये जो बच्चा है वो उसको देख कर भी बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया है अब वो देखता है की वहां पर जो बटरफ्लाईज है वो वहां पर उन फ्लावर्स में से उनका नेक्टर सक कर रहे हैं ठीक है और वहां पर क्या हो रहा है वहां पर कुछ ड्रैगन फ्लाईस भी हैं जो बटरफ्लाईज के रस्ते में आ रही हैं ठीक है ऐसा हो रहा है तो बच्चा उसको देख रहा है और क्योंकि वो बच्चा है जो कि बहुत बहुत ही ही ज्यादा ज्यादा क्यूरियस है एनर्जेटिक है एनर्जेटिक राइट बहुत ही ज्यादा इनोसेंट भी है तो इन चीजों से भी बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टेड बहुत ही ज्यादा फैसिनेटेड फील करता है ओके द चाइल्ड इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द इंसेक्ट्स कमिंग आउट ऑफ द सॉइल तो अब सॉइल में से वहां से इंसेक्ट्स बाहर आ रहे हैं ठीक है क्यों आ रहे हैं धूप का मजा लेने के लिए तो जब वो इंसेक्ट्स बाहर आ रहे हैं तो बच्चा उसको देखता है, है।, है? वहां पर पेड़ों पर से फ्लावर के पेटल्स उसके ऊपर झड़ते हैं ठीक है उनका शार होता है और वहां पर जो डव्स हैं उनकी कूंग साउंड सुनाई दे रही है तो ये सारी चीजें जो कि उसको बहुत ज्यादा फैसिनेट करती है तो वो यहाँ पर नई नई चीजें सीख रहा है नई नई चीजों से अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि वो उनको पहली बार देख रहा है ओके okay, आगे बढ़ते हैं फिर क्या हुआ फाइनली दे रीच्ड द फेयर पहुंच गए मेले में राइट ओके आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ओके समझ में आ रहा है ना मुझका राइट ओके यस ओके फाइन ओके फाइनली दे रीच्ड द फेयर पहुंच गए हैं मेले में वेयर द चाइल्ड सॉ द शॉप्स ऑफ स्वीट मीट सेलर आप मेले में जाते हो आपको क्या क्या दिखाई देता है आपको वहां पे दिखाई देती है मिठाइयाँ आपको वहां पे बहुत सारी चीजें दिखाई देती है आपको वहां पे कई तरह के मार्केट्स पूरे पूरे मार्केट्स दिखाई देते हैं राइट आपको वहां पे टॉयज दिखाई देते हैं बच्चों की फेवरेट चीज टॉयज है ना हर्ष राइट ओके चलिए ओके तो अब क्या हुआ उसको वहाँ पे क्या क्या दिखता है उसको स्वीट मीट सेलर का शॉप दिखाई देता है यानी कि एक मिठाई की दुकान दिखाई देती है फ्लावर सेलर बलून सेलर और एक स्नेक चामर भी है राइट जो कि अपने स्नेक को लेकर बैठा हुआ है और वहां पर उसके सामने बीन बजा रहा है तो वो ये सारी चीज़ें देखता है हर चीज़ से अट्रैक्ट होता है उसका मन करता है कि मैं ये चीज़ ले लूँ उसका मन करता है कि मैं इस म्यूज़िक को सुन लूँ बहुत सारी चीज़ों से वो अट्रैक्ट होता है लेकिन याद है ना पापा की वो कोल्ड आइज़ राइट वो रेड आईज रिफ्यूज़ल वाली तो फिर क्या होता है बच्चा आगे बढ़ जाता है ओके okay.

उसके फादर क्या बोलेंगे इतने छोटे हो बलून से खेलोगे राइट इस तरह की बातें उसके फादर उसको कह सकते हैं तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं मांगता है आगे बढ़ जाता है ओके लेट्स सी व्हाट हैपेंड देन एट द एंड द चाइल्ड रीचेस नियर द राउंड अबाउट एंड प्लेसेस अ डिमांड इन फ्रंट ऑफ हिज पेरेंट्स टू टेक अ राइड ऑन द राउंड अबाउट व्हेन ही रियलाइजेस दैट हिज पेरेंट्स आर नोवेयर टू बी सीन अब क्या हुआ अब वो जब मेले में आगे बढ़ता है लास्ट में वो क्या देखता है उसको एक राउंड अबाउट दिखता है एक बड़ा झूला दिखाई देता है राइट आपका वो बिग व्हील जो है ओके अब वहां पर वो क्या देखता है बच्चे बड़ा मजा कर रहे हैं उसमें उसमें बड़े भी बैठे हैं ठीक है वो भी मजा कर रहे हैं चीख रहे हैं चिल्ला रहे हैं जोर जोर से हंस रहे हैं ठीक है ऐसे ही होता है ना ऐसे ही होता है नहीं होता है आप बताइए मुझे डेफिनेटली ऐसे ही होता है क्योंकि हम डर इतना रहे होते हैं कि हम चिल्लाते हैं हम चिल्ला चिल्ला कर उस डर को दबाने की कोशिश कर रहे होते हैं ठीक है तो ओके तो अब क्या हुआ यहाँ पे जब बच्चा ये सब चीजें देखता है तो उसका मन करता है फाइनली उसका मन करता है कि मुझे तो उस राउंड अबाउट में जाना है और वो डिमांड करता है अपने पेरेंट्स को कहता है आई वॉन्ट टू गो ऑन दैट राउंड अबाउट मुझे वहां पर जाना है फिर क्या होता है कोई जवाब नहीं आता है नहीं जब वो कोई जवाब पाता है जब उसके पेरेंट्स का कोई आंसर नहीं आता है तो फिर वो क्या करता है अब वो पीछे घूमता है देखता है पेरेंट्स उसको कहीं नहीं दिख रहे लेफ्ट देखता है राइट में देखता है हर जगह देखता है पेरेंट्स कहीं दिखाई नहीं दे रहे दैट मीन्स अब क्या हुआ है अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे जो बच्चा है वो खो चुका है वो अपने पेरेंट्स से सेपरेट हो चुका है उसके पेरेंट्स उसके आसपास नहीं है अब क्या होगा उसके मन में क्या फीलिंग्स आएंगी फीलिंग्स ऑफ फियर

कि इतनी ज्यादा भीड़ है टेम्पल है तो उसके आसपास भीड़ है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भीड़ है तो एक मोमेंट आता है जब वो लोगों के पैरों के नीचे आने वाला होता है लेकिन तभी क्या होता है वो जोर से चिल्ला देता है तो जब वो जोर से चिल्लाता है तो वहां पर एक जेंटलमैन होते हैं और वो क्या करते हैं वो उसको उठा लेते हैं अपनी गोदी में

In order to 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 calm down the child, the 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 child, man takes him to the shops of sweet meat seller, 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 flower balloon snake charmer and to the roundabout too. Nice बहुत ही ज्यादा है राइट right? तो ये क्या करते हैं उस बच्चे को शांत कराने की कोशिश करते हैं और इसीलिए वो उसको सारे शॉप्स पर लेके जाते हैं उस बर्फी वाली यानी कि मिठाई वाली दुकान पर लेके जाते हैं ठीक है बलून शॉप पर लेके जाते ठीक है जो जो चीजें उस बच्चे को पहले चाहिए थी ये जो पर्सन है ये उस बच्चे को हर वो चीज ऑफर करने की कोशिश करता है लेकिन क्या बच्चा ले लेता है वो चीजें वो ड्यू थिंक आप लेते क्या हाँ मुश्का आप ले लेते ले ले वो सब चीजें पेरेंट्स को, को कोई बात नहीं गए तो जाने दो मुझे तो बलून चाहिए मैं ले लूँ वट ड्यू थिंक नहीं यस ऐसा ही होता है एवरी टाइम द चाइल्ड needs his ही और बच्चे को वहाँ पर कुछ नहीं चाहिए ठीक है वो हर बार मना कर देता है जैसे ही उसको बोलते हैं स्नेक चामर का म्यूजिक सुन लो तो अपने कान बंद कर लेता है ये फ्लावर्स क्या तुम चाहते हो कि इसकी तुम्हें माला पहननी है वो उसके लिए मना कर देता है हर चीज़ के लिए वो मना कर देता है और जोर जोर से सिर्फ एक ही आवाज में एक ही धुन में एक ही स्ट्रेन में बस रो रहा है आई 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 पेरेंट्स मदर फादर बस वो ये कहता रहता है और इसी नोट पर हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है सो डिड यू लाइक द स्टोरी पसंद आई आपको हुँ? कैसी थी ओके okay, यहाँ पर एंड थोड़ा सा एब्रप्ट है क्योंकि हमें ये नहीं पता चला कि बच्चे के साथ एंड में क्या हुआ तो ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो एक जेंटलमैन थे तो उन्होंने हो सकता है पुलिस वगैरह से कंटेक्ट किया हो और उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दिया हो ठीक है पहुँचा दिया हो सो दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स एंड आई एम श्योर कि आपको ये समझ में आई होगी